रीट को लेकर विधानसभा में गुरुवार को भी जमकर हंगामा हुआ। मामला विधायकों के बीच छीना झपटी तक पहुंच गया। माकपा विधायक बलवान पूनिया को बोलने से रोकने के कारण चार बीजेपी विधायकों को बजट सत्र के लिए सस्पेंड किया गया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने चारों के निलंबन का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे सदन से मंजूरी दे दी गई। बीजेपी विधायक मदन दिलावर, रामलाल शर्मा, अविनाश गहलोत, चंद्रभान आक्या को बजट सत्र की पूरी अवधि के लिए सस्पेंड कर दिया गया। चारों के निलंबन का प्रस्ताव रखते हुए शांति धारीवाल ने कहा कि चारों विधायकों ने माकपा विधायक बलवान पूनिया को राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने से रोका, कागज छीने और गालियां दी, इसलिए इन चारों को सस्पेंड करना चाहिए। हालांकि चारों विधायकों को नापक्ष लोबी में आने की अनुमति दी गई है। इससे पहले तीन बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद दोपहर को विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो बीजेपी और कांग्रेस विधायक आमने सामने हो गए। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान विधायकों के बीच छीना झपटी जैसे हालात हो गए। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान बीजेपी विधायक मंत्रियों की सीट के आगे तक वेल में नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा के हाथ से रीट की सीबीआई जांच की मांग वाली तख्ती और ब्लैक पेपर छीन लिए। इस पर बीजेपी विधायकों ने विरोध जताया। उधर खाचरियावास के समर्थन में भी मंत्री आ गए। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामे के बीच बहस चली। 5 बजे सभापति ने विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद भाजपा विधायक सदन में ही धरने पर बैठ गए। जुड़ने पर जब हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे और जब भादरा से आने वाले मान्य सदस्य बोल रहे थे, हमारे सदस्यों के साथ सत्ता में बैठे मंत्रियों ने और दूसरे लोगों ने दुर्व्यवहार किया, उनके हाथ से कागज फाड़ दिए और उसके बाद आनन फानन में संसदीय कार्य मंत्री एक प्रस्ताव लेकर आ गए और हमारे चार मान्य सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। अभी नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी के अगुवाई के अंदर हमारी वार्ता माननीय अध्यक्ष जी से हुई। माननीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि जो जिनको निलंबित किया है उनका प्रस्ताव तो विधानसभा में ही आएगा, पर कल चूंकि हमें लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया था, भी हमारे सदस्यों को वापस विधानसभा में सदन में आने नहीं देंगे, मार्शल के द्वारा बाहर रोक लेंगे। ज्यादा चिंता का विषय है, हम लोगों को फेस करना है जनता को, हम युवा साथियों को हम जाके क्या जवाब देंगे, हम उनको किस तरह से फेस करेंगे, ये हमें सबसे ज्यादा चिंता है। लेकिन ये लोग सिर्फ इस बात के लिए विधानसभा के अंदर सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं कि इनको समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे राजस्थान के अंदर यह संदेश देना है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार इस भर्ती के जितना भी करप्शन है उसकी जिम्मेदार है। मैं इतना कह सकता हूं कि बाढ़ खेत को खाए, उस खेत को कौन बचाए, किसी न किसी व्यक्ति पर तो जिम्मेदारी डाली जाती है रीट की या किसी भी एग्जाम की कराने की, और उसके अंदर कोई गद्दार निकल जाए तो उन गद्दारों को जब हमारी एसओजी ने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया तो उन लोगों को सिकंजू के पीछे डाल दिया गया और रिमांड पे हैं, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया। और जिस प्रकार से जनता का, युवाओं का मन था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और ये निर्णय को छोटा नहीं है, हमें उन अभ्यर्थियों को भी देखना है जो मेहनत करके अपने माता पिता की गाड़ी कमाई की वजह से वो लोग रूम लेके किराए का रहते थे, उन्होंने तैयारियां की साथ साथ 8-8 महीने। लेकिन मुझे वरिष्ठ विधायकों ने बताया कि राजस्थान विधानसभा के इतिहास में ऐसा कोई कलंकित करने वाला अवसर नहीं आया कि जब सत्ता पक्ष के लोगों ने महिला विधायकों की मौजूदगी में गाली गलौज किया, हमारे पर्चे फाड़े और वहाँ पर ये नारे लगाए कि दादागिरी यूं ही चलेगी। बावजूद इसके हमने संयम रखा और अध्यक्ष जी को आग्रह किया कि हम लोग यहाँ धरने पर बैठेंगे। अध्यक्ष जी की, नेता प्रतिपक्ष जी की मौजूदगी में बात होने के बाद ही हमने ये निर्णय लिया है। हम कल सुबह वापस जुड़ेंगे विधायक दल में, आगे की रणनीति के बारे में विचार करेंगे। लेकिन ये बात सत्य है कि हम यहाँ पर हमारे प्रश्नकाल में भी प्रश्न थे, स्थगन पर भी हमें अपनी बात कहनी थी, लेकिन इन सब चीज़ों की आहुति इसलिए दी कि हम लोग बेरोजगारों की आवाज़